अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, कब्जे से 10.32 ग्राम स्मैक कीमती करीब 2.5 लाख जब्त। बता दी कि पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर राजस्थान से स्मैक लाकर जिले के सीमावर्ती इलाकों में स्मैक की सप्लाई करता था, जहां पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों को राजस्थान से लाकर जिले के सीमावर्ती थाना क्षेत्र बड़ौदा आवदा में सप्लाई की सूचना मुखबिर द्वारा दी जा रही थी, जिस पर से एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर की निगरानी में संबंधित एसडीओपी व थाना प्रभारियों को इस प्रकार की अवैध गतिविधि पर लगाम लगाए जाकर तस्करों को पकड़ने हेतु निर्देश दिए गए थे। एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर की निगरानी में संबंधित एसडीओपी व थाना प्रभारियों को इस प्रकार की अवैध गतिविधि पर लगाम लगाए जाकर तस्करों को पकड़ने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 6 मार्च 2023 को एसडीओपी बड़ौदा प्रवीण आस्थाना के नेतृत्व में एक टीम थाना बड़ौदा क्षेत्र से राजस्थान अवैध तस्करी के मार्ग पर नाकाबंदी हेतु लगाई गई, जिसने संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उसकी निगरानी की, जिसके तहत मस्जिद वाली गली भोई मोहल्ला बड़ौदा में एक व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति देखकर शक पका गया और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। वहीं जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम रामदयाल पुत्र माधोलाल माली उम्र 36 साल निवासी बड़ौदा बताया। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक पन्नी रखी मिली, जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें सफेद रंग का मादक पदार्थ 10.32 ग्राम इसमें कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होना पाया गया, जिसे जब्त किया गया। वहीं आरोपी से पुलिस द्वारा और अधिक पूछताछ कर उसने बताया कि वह राजस्थान से स्मैक लाकर बड़ौदा व आपदा थाना क्षेत्र में नशा करने वाले युवकों को पुड़िया बनाकर बेचता था। आरोपी का ये कृत्य एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आने से उसके खिलाफ थाना बड़ौदा में अपराध क्रमांक 7823 धारा 821 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा उक्त आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। आतंक अपराधी पाए जाने पर उसके खिलाफ और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जहां समस्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बड़ौदा निरीक्षक गोपाल सिंह सिकरवार, रसना राजावत, प्रहार अखिलेंद्र सिंह, नरसिंह आर नवीन, सत्येंद्र प्रधान की सराहनीय भूमिका रही। वहीं आपको बता दें कि स्मैक तस्कर की घेराबंदी कर उसे घर दबोचने में सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये बड़ौदा थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि रामदयाल पुत्र माधव माली निवासी बड़ौदा, जो कि राजस्थान से स्मैक ला करके और बड़ौदा में लोगों को बेचता है, इस सूचना पर से तत्काल पुलिस थाना बड़ौदा को अधिकृत किया गया कि उसकी घेराबंदी करके और उसकी तलाशी लें, और जिस पर तत्काल बड़ौदा पुलिस ने पूरी पुलिस थाना प्रभारी बड़ौदा के नेतृत्व में पूरी पुलिस उसकी नाकेबंदी की और उसको पूछताछ की गई। उस व्यक्ति से जो सफ़ेद पदार्थ पाया गया है वो मादक पदार्थ है, उसको बताया गया और उसकी जमा तलाशी ली गई, और जब वहाँ तलाशी ले करके उससे जब कन्फर्म हो गया कि ये स्मैक है, उसे पूछताछ में कबूल किया, जिस पर से तत्काल विभिन्न पंचनामा बनाते हुए उसकी तौल पंचनामा बनाया गया, जिसमें अनुसार मादक पदार्थ 10 ग्राम 32 मिलीग्राम निकला है, जिसे मौके पर जब्त किया गया और उसे और पूछताछ की गई है। सप्लाई चेन के बारे में पता किया जा रहा है और शीघ्र ही सप्लाई चेन से आगे बढ़ेंगे और हम लोग और बड़ी कार्रवाई करेंगे। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध शिवपुर पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। कितनी कीमत की है ये? करीब 2.5 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही है। बाजार मूल्य करीब 10 लाख। पहले से कोई अपराध है सर? इसके पहले 2 अपराध हैं, उसको भी हम लोगों ने संलग्न किया है और आगे भी संलग्न कार्रवाई करेंगे।